आइलैंड ऑफ अरानेरम, ये वो आइलैंड है जहाँ पर चूचू चार्ल्स नाम की मॉन्स्टर ट्रेन ने आतंक मचा कर रखा है। लेकिन आखिर ये आधा मकड़ी और आधा ट्रेन के इंजन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आया कहाँ से? क्या है इन चमचमाते हुए हीरे जैसे अंडों का रहस्य? और आखिरकार कैसे खत्म किया जाता है इस खतरनाक मॉन्स्टर चूचू चार्ल्स को? तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे तुम्हें आज के वीडियो में, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चूचू चार्ल्स। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आज सारे राज खुलने वाले हैं। और अगर अभी तक तुम ये सोचते थे कि चूचू चार्ल्स के पापा ट्रेन थे और मम्मी स्पाइडर थी और इन दोनों के संगम से ये चूचू चार्ल्स जैसा अजीब सा मॉन्स्टर क्रिएट हुआ, तब तो तुम्हें ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए। तो टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाओ, क्योंकि हम जाने वाले हैं द आइलैंड ऑफ अरानेरम आज के फाड़ू वीडियो में। चूचू चार्ल्स गेम पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर गेम्स की बात करें तो क्रिकेट उससे भी ज्यादा पसंद है मुझे। और क्रिकेट से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई कि अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अब तुम बोलोगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मैच पर आप अपना ओपिनियन सिर्फ हाँ या ना में देकर अर्न कर सकते हो प्रोबो की मदद से। अब आप सोचोगे कि प्रोबो क्या है? तो प्रोबो है इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपने ओपिनियन हाँ या ना में देकर बड़े प्रॉफिट जीत सकते हो। जैसे अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच हुआ था, तो उसमें सवाल था कि क्या रविंद्र जडेजा 5 या उससे ज्यादा विकेट ले पाएगा। मैंने यस सिलेक्ट करके अपना आंसर दिया और मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ। और प्रोबो पर आपको हर तरह की कैटेगरी मिल जाएगी, क्रिकेट, यूट्यूब, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स और भी बहुत सारी। एंड ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐप को यूज कर रहे हैं और रोज बड़े प्रॉफिट जीत रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, जैसे कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये वाला सीरीज जीत जाएगा? तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया और अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। और जीतने के बाद मैं इनको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कार्ड के जरिए भी निकाल सकता हूं। तो आप सब भी अपने ओपिनियंस को प्रोबो पर जाकर यूज करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर उस लिंक से प्रोबो को डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेंगे अप टू 25 रुपीज। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करो और प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। ये जो अरानेरम नाम का आइलैंड है, यहाँ पर वॉरेन चार्ल्स नाम का एक बंदा आया था जिसकी चार्ल्स माइनिंग कंपनी थी और ये कंपनी खुदाई का यानी माइनिंग का काम करती थी। और वॉरेन चार्ल्स के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सारा सोना ढूंढने के लिए इस आइलैंड पर आया था। लेकिन बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वॉरेन चार्ल्स का इस आइलैंड पर आने का कुछ और ही मकसद था। उसे मालूम था कि यहाँ पर कुछ खास और कुछ सुपर नेचुरल है जिससे वो आगे बहुत प्रॉफिट कमा सकता है। और वॉरेन की ही टीम का एक सुपरवाइजर था यूजीन। तो जब वॉरेन चार्ल्स की टीम ने यहाँ पर खुदाई करना शुरू की, तो आइलैंड के एक हिस्से पर खुदाई करते करते यूजीन की टीम को कुछ अजीब सा मिला। उन्हें जमीन के अंदर एक गहरी गुफा मिली जिसके अंदर बहुत ही अजीब से चमचमाते हुए अंडे रखे थे। कहा जाता है कि ये अंडे हीरे से भी ज्यादा मजबूत थे। जब यूजीन ने इन अंडों के बारे में वॉरेन को बताया, तो वॉरेन ने ऑर्डर किया कि ये सारे एग्स लेकर इस आइलैंड पर मौजूद एक एंशियंट टेंपल पे आ जाओ। लेकिन वॉरेन और यूजीन को नहीं पता था कि इन अंडों की रखवाली एक जायंट मॉन्स्टर स्पाइडर कर रहा है। ये जायंट और मॉन्स्टर स्पाइडर काफी पुराने समय से, या कहा जाए तो एंशियंट टाइम से इस आइलैंड पर है। और इस बात का क्लू हमें मिलता है इस पिक्चर से जो गेम खेलते टाइम हमें मिलती है, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि कुछ आदिवासी एक बहुत बड़े साइज के मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तो ये जायंट स्पाइडर यूजीन और उसकी टीम पर हमला कर देता है और सभी लोगों को मार देता है। लेकिन यूजीन किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है और 3 अंडे लेकर वहां से भाग जाता है। और यूजीन को जिंदा बचाने के लिए उसके साथी लोग उस स्पाइडर पर गोलियां चलाते हैं, जिससे बचने के लिए वो स्पाइडर पास में ही रखे चार्ल्स कंपनी के एक ट्रेन के इंजन को एक मेटल आर्मर की तरह यूज करता है। वो इंजन की बॉडी का यूज करता है जो काफी टाइम से खराब पड़ी हुई थी और उसके अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उस स्पाइडर पर गोलियां नहीं लगती। और यही रीजन है कि आपको इस गेम में एक ऐसा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो आधा ट्रेन और आधा स्पाइडर है। बेसिकली वो पूरा स्पाइडर है जो एक इंजन के शेल के अंदर घुसा हुआ है। तो अगर अभी तक आप ये समझते थे कि चूचू चार्ल्स के पापा स्पाइडर थे या मम्मी ट्रेन का इंजन थी, तो ये वाली थ्योरी गलत थी। तो भैया यूजीन जैसे तैसे करके उन अंडों को लेकर पहुंचता है वॉरेन के पास उस एंशियंट टेंपल में। अब यहाँ पर इस टेंपल में एक प्रिज्म रखा हुआ था जिनमें 3 अंडों को लगाने की जगह थी। ये प्रिज्म एंशियंट टाइम के लोगों ने बनाया था उन अंडों की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उन अंडों की एनर्जी को निकाल दिया जाए और वो अंडे डेड हो जाएं, ताकि उन अंडों में से और नई मकड़ियां जन्म ना ले सकें। तो यहाँ पर वॉरेन की टीम 3 अंडों को प्रिज्म में लगा देती है और एनर्जी एक्सट्रैक्ट होने लगती है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद वॉरेन इसीलिए इस आइलैंड पर आया था, वो किसी एनर्जी सोर्स की तलाश में था और वो एनर्जी सोर्स थे इस बड़ी मकड़ी के अंडे। अब इस प्रिज्म
में से एनर्जी निकल ही रही होती है तभी ऊपर से आ जाता है चूचू चार्ल्स और वो इस एनर्जी की बीम पर गिर जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर आ जाती है उन अंडों की पावर और वो बन जाता है हेल चार्ल्स जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद हेल चार्ल्स की लड़ाई होती है वॉरेन यूजीन और उसकी टीम के साथ, लेकिन मौका देख के वॉरेन उन तीनों अंडों को प्रिज्म में से वापस निकलवा लेता है और उन्हें छुपा देता है वो अलग अलग सिक्योर्ड जगहों पर ताकि ये घटना फिर से ना घट पाए, चूचू चार्ल्स फिर से पावरफुल ना बन पाए। अब बेसिकली देखा जाए तो ये काम वॉरेन ने काफी अच्छा किया और अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो इतना बुरा बंदा भी नहीं था जितना हम लोग उसे समझते थे। हो सकता है वो केवल गोल्ड की खोज में ही इस आइलैंड पर आया हो, लेकिन उसके हाथ लग गए थे ये चमत्कारी और रहस्यमय अंडे जिसे उसने छुपा दिया तीन अलग अलग जगहों पर, उन्हें सिक्योर कर दिया। ये थी चूचू चार्ल्स का असली ओरिजिन, आखिर ये मॉन्स्टर इस आइलैंड पर कैसे आया और क्या थी इस गेम की पूरी बैक स्टोरी। अब चलते हैं करंट की टाइमलाइन में, मतलब राइट नाउ क्या चल रहा है। यूजीन फोन करके एक मॉन्स्टर हंटर को बुलाता है चूचू चार्ल्स को खत्म करने के लिए ताकि उस बड़ी सी मकड़ी का आतंक इस आइलैंड से खत्म हो सके और वॉरेन के लोग फिर से सोने की खोज में निकल सके। और ये मॉन्स्टर हंटर कोई और नहीं होता, गेम खेलने वाला प्लेयर होता है। यहाँ पर उसे एक ट्रेन दी जाती है जिसे अपग्रेड करना होता है और उसी ट्रेन का यूज करके उसको चूचू चार्ल्स को खत्म करना होता है, लेकिन गेम की शुरुआत में ही यूजीन मारा जाता है। अब इस गेम की करंट टाइमलाइन के बारे में बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है एंड आई होप कि आप लोगों ने वीडियो ऑलरेडी देख रखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लेना। लेकिन बेसिकली अब नया प्लान ये है कि भैया तीनों अंडों को वापस से उसी प्रिज्म में डालना है और ये काम करना है मॉन्स्टर हंटर को। जैसे ही उस प्रिज्म में से एनर्जी निकलेगी चूचू चार्ल्स फिर से आएगा और उसी मौके का इस्तेमाल करके हमें चूचू चार्ल्स को मारना है। लेकिन जब ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक गड़बड़ हो जाती है, वो मॉन्स्टर हंटर और वॉरेन के आदमी टेम्पल में आए हुए चूचू चार्ल्स को मार नहीं पाते और उन तीनों अंडों से निकली हुई एनर्जी को एक बार फिर से चार्ल्स एब्जॉर्ब करके बन जाता है हेल चार्ल्स। उसके अंदर बहुत सारी नई पावर्स आ जाती है, वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है और फिर वो पीछा करता है मॉन्स्टर हंटर का। मॉन्स्टर हंटर अपनी ट्रेन में बैठकर भागता है और अपने सीक्रेट प्लान के मुताबिक वो चूचू चार्ल्स को उस ब्रिज पर लेकर आता है जहां उसने पहले से ही बॉम्ब लगा रखे होते हैं। ये बॉम्ब उस मॉन्स्टर हंटर को दिए थे यूजीन के बेटे ने और ब्रिज वाला ये प्लान बनाया था यूजीन ने, जो मरने से पहले ये प्लान अपने बेटे को बताकर गया था। तो जैसे ही चूचू चार्ल्स पहुंचता है उस ब्रिज पर बहुत सारे धमाके होते हैं, वो ब्रिज टूटकर गिर जाता है और चूचू चार्ल्स एक गहरी खाई में नीचे चला जाता है और फाइनली एक नुकीली चीज के ऊपर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन गेम यहीं पर खत्म नहीं हुआ, लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि आइलैंड के एक हिस्से में जमीन के अंदर बहुत सारे चमकीले अंडे हैं जो हिल रहे हैं, मतलब हैच करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि शायद से चूचू चार्ल्स ने इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे स्पाइडर्स की सेना बनाकर रख ली थी जो बहुत ही जल्द अपने अंडों से बाहर आने वाली है। और इसी गेम के दौरान हमको पता चलता है एक नए कैरेक्टर, एक नए मॉन्स्टर के बारे में जिसका नाम है गस द बस। और इसके बारे में तो यहां तक बताया गया है कि चूचू चार्ल्स भी इससे डरता है, मतलब ये और ज्यादा डेंजरस है। लेकिन ये उस आइलैंड पर नहीं है, ये है मेन लैंड पर जहां से यूजीन मॉन्स्टर हंटर को आइलैंड पर लेकर आया था। मतलब एक तरीके से ये गेम जो है ना, ये मॉन्स्टर का एक पूरा यूनिवर्स है। तो यहां पर आपको गस द बस, चूचू चार्ल्स के अलावा हो सकता है और भी नए मॉन्स्टर देखने को मिले। लेकिन ये नाम काफी अजीब से नहीं लग रहे आपको मॉन्स्टर्स के, चूचू चार्ल्स, गस द बस। खैर करते हैं यहीं पर बस आज के वीडियो को एंड आई होप कि आपको चूचू चार्ल्स की ओरिजिन की ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर इस स्टोरी का कोई पार्ट मैंने मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और जाते जाते तुम लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूं भाई, इस वीडियो पर 1,00,000 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से उसे पूरा कर दो। वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई ओपिनियन है तो उसे सोशल मीडिया, गली मोहल्ले या नुक्कड़ पे मत दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो डाउनलोड कीजिए और 25 रुपए तक का वेलकम बोनस पाइए।